सार्वजनिक हुई एमसी स्टैन और अब्दुल रुजिक की फाइट। मंडली ना टूटने का शिव का दावा साबित हुआ गलत। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 की अगर बात की जाए तो इसमें कंटेस्टेंट से ज्यादा मंडली सुर्खियों में थी, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही मंडली की टूट की खबर सामने आई, जिसके बाद शिव ने यह दावा किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब अब्दुल रुजिक के बयान से ये साफ हो गया है कि अब्दुल रुजिक और एमसी स्टैन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अब्दुल रुजिक ने इस बात का खुलासा किया था कि मंडली खत्म हो गई है, और उसके बाद शिव की तरफ से यह दावा किया गया कि मंडली अब भी बरकरार है। लेकिन अब एक और वीडियो अब्दुल रुजिक का तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बता रहे हैं कि एमसी स्टैन ये कह रहे हैं कि अब्दुल रुजिक ने उनके गाने का प्रमोशन करने के लिए एमसी स्टैन से कहा था, लेकिन अब्दुल रुजिक ने ये बताया कि ऐसी कोई बात अब्दुल रुजिक ने एमसी स्टैन से नहीं कही थी। दरअसल दोनों के बीच मतभेद की खबर तब सामने आई थी जब ये खबर सामने आई कि एमसी स्टैन और अब्दुल रुजिक जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश वो म्यूजिक वीडियो नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये खबर सामने आई कि एमसी स्टैन और अब्दुल रुजिक के बीच मतभेद हो गया है, और उसी के बाद अब्दुल रुजिक ने मीडिया को दिए बयान में ये कहा था मंडली खत्म हो गई है, और उसके बाद शिव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए ये कहा था कि मंडली अब भी बरकरार है। लेकिन जिस तरह से अब अब्दुल रुजिक ने एमसी स्टैन पर गंभीर आरोप लगाया है कि एमसी स्टैन मीडिया में ये कह रहे हैं कि अब्दुल रुजिक ने उनके गाने के प्रमोशन के लिए उनसे कहा था, तो अब्दुल रुजिक अब ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात उन्होंने एमसी स्टैन से नहीं कही है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि मंडली के टूट की खबर जो सामने आई थी वो कहीं ना कहीं सच है। अब देखना ये होगा कि इस पर एमसी स्टैन का क्या बयान आता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।